कि डिप्टी कमिश्नर साहब आपकी कौन बात मानेगा? अगर आप ही अपने कॉल ऑफर पे अमल नहीं करवाएंगे तो मैं समझता हूँ एक आम शहरी जो है आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने से जो है वो चीजों का हल नहीं निकलता है। मेरे जैसा तो मैं खुद आग लगा के मर जाऊं कसम खुदा की। असिस्टेंट कमिश्नर को तो पीछे छापे मारना चाहिए ना, जहाँ से पीछे से दूध आ रहा वहाँ उनको बोलना चाहिए वहाँ सस्ता दें। हुकूमत पे नालत देंगे। टाउन वन, जहाँ जिंदगी मुझे गले लगाए, जहाँ कुदरत के हसीन मनाजिर मेरे मुंतजिर रहे, जहाँ सब कुछ मुझसे करीब तर हो। 120, 150, 200, 240 और 400 मरबा गज के रिहायशी प्लॉट्स। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाज़रीन, आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है और पेट्रोल अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया महंगी होने के साथ साथ दूध पर भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं और हैदराबाद में दूध का रेट अब 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया गया है। यकदम 30 रुपये का इजाफा किया गया है दूध की कीमतों में। 170 रुपये किलो दूध फरोख्त हो रहा था जिसके बाद अब दूध की कीमत 200 रुपये किलो हो गई है। जबकि मज़ा का खैज़ अंदाज़ में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से दूध की कीमत के लिए मुकर्रर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें दूध की कीमत फ़ी किलो 160 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। पूरे शहर हैदराबाद में 200 रुपये किलो ही दूध मिल रहा है। एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है डिप्टी कमिश्नर हाउस ऑफिस की जानिब से और के असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की है और जुर्माने किए हैं और डेयरियों को पाबंद किया है कि वो 160 रुपये किलो दूध फरोख्त करें। लेकिन आज हमने सारे शहर का विज़िट किया है और मालूमात की हैं तो तकरीबन पूरे ही शहर में तकरीबन तमाम ही बड़ी डेयरियों पर और छोटी डेयरियों पर दूध जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो है। इस हवाले से हमारी डेयरी मालिकान से भी बात हुई है। डेयरी मालिकान का कहना है कि दूध उन्हें आगे से ही महंगा मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया लेकिन डेयरी फार्मर्स हैं और जो आढ़ती हैं और जो दूध के जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं तो उन्हें जो है वो इसी रेट पे मिल रहा है कि वो 200 रुपये में ही फरोख्त कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई हैं? सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने से जो है वो चीज़ों का हल नहीं निकलता है बल्कि उस पर अमल दरामद करना होता है, उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। डिप्टी कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकलें और आप फील्ड में आएँ, मैदान में उतरें, अपने कमिश्नर्स को निकालें, अपनी टीम को उतारें मैदान में और उन्हें जो है वो लोगों को मजबूर करें कि जो है वो लोगों को जो है वो कोई रिलीफ फराहम किया जा सके। अगर आपने कोई रेट निकाला है, अगर आपने कोई रेट मुकर्रर किया है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये आपकी नाकामी है, इंतज़ामिया की नाअहली है और आपकी जो नीचे की टीम है उसकी भी नाअहली है और ज़ाहिर बात है ये डायरेक्ट आप तक पहुँचती है। तो आइए जानते हैं शहर हैदराबाद की सूरत हाल क्या है। दूध की डेयरियाँ पर जब हम जाएंगे, दूध की डेयरियों के मालिकान से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दूध रेट क्या है। इसके अलावा जो आवाम बेचारे परेशान हैं, तकलीफ़ में, मुश्किल का शिकार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो दूध के इस हालिया इजाफे पर क्या कहते हैं। पहले 180 मिल रहा था, अब 200 रुपये मिल रहा दूध। अब इनका भी कसूर नहीं है, ये भी पीछे से आ रहा, पीछे से बढ़ते हैं तो ये बढ़ा देते हैं, क्या करें। बोले पीछे डेयरी वाला पीछे बाड़े से महंगा मिल रहा, बाड़ा वाले बोल रहे हैं चारा महंगा है, चारा वाले बोल रहे हैं पीछे से माल महंगा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर को तो पीछे छापे मारना चाहिए ना, जहाँ से पीछे से दूध आ रहा वहाँ उनको बोलना चाहिए वहाँ सस्ता दें तो ये आगे सस्ता बिकेगा, ये सस्ता देंगे तो हमें देंगे। अब पहले 80 रुपये का था दूध, अब 100 रुपये का आधा किलो ले जा रहे हैं, अब 600 रुपये दिहाड़ी हमारी, आधा किलो दूध लेके जाएँ 3 बच्चों को पिला रहे हैं, वो 24 घंटे चलता दूध, अब 100 रुपये में दूध 3 बच्चों को पिला रहे हैं, 600 रुपये दिहाड़ी आदमी क्या लेके जाएगा, बगैर 500 रुपये में पूरा खर्चा कैसे चलेगा दिन में? तेल भी लेना है, घी भी लेना है, आटा भी लेना है, हर चीज़ लेना है, फिर बिजली का बिल अलग है, उसकी पर टेंशन अलग है, बिजली का बच्चों को पढ़ाएँ लिखाएँ या बिजली का बिल भरें या दूध ले जाएँ, या तो बच्चों को दूध तो चाहिए, आदमी 2 टाइम नहीं 1 टाइम खा लेगा, बच्चों को तो पिलाएगा दूध ज़ाहिर है, जहाँ किलो पिलाता वहाँ आधा किलो पिलाएगा और आधा किलो भी वो पूरे 24 घंटे में 3 बच्चे भी रहे, क्या करें। मेरा शहर, मेरी कहानी, मेरा घर। 120, 150, 200, 240 और 400 मरबा गज के रिहायशी प्लॉट्स, अजरकों के शहर में अपना घर बनाएं। टाउन वन के साइट ऑफिस तशरीफ लाएं। जिस तरह से मुल्क का निज़ाम गंदा और अंधा हो गया है, इस तरह से हमारी जरा इंतजामिया भी नाबीना और अंधी हो गई है। रेट तो निकालते हैं लेकिन इसको पर अमल दरामद नहीं करा सकते। रेट निकाला ना उन्हें 160 रुपये का, लेकिन दूध अभी तक 200 रुपये किलो मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसके पास जाके रोए, जिले इंतजामिया के पास जाके रोए। अगर उनसे कुछ कोशिश करते हैं कहने की तो वो लोग कहते हैं कि साहब मीटिंग में है, साहब है नहीं, साहब फला जगह है, फला जला जगह है। आप लोग बड़ी शान और शौकत से रेट निकालते हैं लेकिन कभी भी लोग ऑप्टिंग नहीं करते कि आया जो आपने रेट निकाले हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं। अभी तक 200 रुपये किलो दूध मिल रहा है, आपने 160 रुपये मुख्तस किया है लेकिन अभी 160 रुपये किसी के अप्रोच में नहीं आया। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब आपकी कौन बात मानेगा? अगर आप ही अपने कॉल ऑफ पे अमल नहीं करवाएंगे
तो मैं समझता हूँ एक आम शहरी जो है आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। सर जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये फार्मर का कसूर है, ये फार्मर रेट बढ़ाते हैं तो हम बढ़ा देते हैं। इसमें तो हमारा इसमें तो हमें जो 10 रुपये से मतलब है, इसमें हमें जो 10 रुपये मिला है गवर्नमेंट बोलती है कि 160 बेचो, पहले भी यही बात होती थी, हमेशा यही बात होती है। इसमें जो हमारा तो इसमें कारोबार और फ़र्क पड़ता है, इसमें हमारे कारोबार में फ़र्क पड़ता है, जो हमारा जो 10 मन दूध बिकने वाला वो 6 मन 7 मन पर आ जाता है और ग्राहकों की अलग हमें बुराई मिलती है। लोग बोलते हैं तुम बेचने अगर, तो हमारे इसमें कोई नहीं, इसमें फार्मर के लिए हम बोलते हैं कि फार्मर पर जाएँ आप, तो इसमें फार्मर के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें बोलते हैं बोला जाता है कि नहीं आप महंगा करते हो, हमें तो उसमें सॉरी आप फार्मर से आप मालूम करो, फार्मर की जो आपकी वहाँ पे जो भेजी जाती है आपको असेंबली वहाँ पे 10 दफ़ा हमने भेजी है, वो आते हैं जुर्माना भरते हैं, नहीं भरेंगे तो हमें उठा लेंगे, दुकान सील कर देंगे, जो ये रीबा की रोज़ी है ये भी चली जाएगी। अब हमारा मसला तो ये है, हमारे इसमें हमें तो देना है ना वो, और वो बोलते हैं कि हम बोलते हैं फार्मर पर चलो, फार्मर बोलते हैं हम, वो बोलते हैं हमारा फार्मर से कोई वो नहीं है, इसमें फार्मर का कसूर है, जो भी है फार्मर के भी इसमें गलती नहीं है, उनका भी इजलास महंगा है। वो आप वहाँ पे अजनास अनाज मार्केट में जाके मालूम करें अजनास कितना तेज़ है, हर चीज़ में महंगाई के हिसाब से हर चीज़ एक हमारा महंगाई थोड़ी है। जब भी दूध महंगा होता है इसके ऊपर एक्शन उठता है, तभी भी दूध के ऊपर बात आती है इस पर एक्शन उठता है। तो कहाँ से जाएंगे भाई, चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे भाई फिर, डाका तो ये खुद डाकू बड़े डाकू में मारो कह रहे हैं, ये तो डाका मार के बाहर चले गए, हम कहाँ जाएंगे, इनके पास इतना वसाइल है, इनके पास इतनी बातें हैं, इनके पास सारी चीज़ें हैं, इन्होंने महल बना लिए। कल डीसी साहब ने इधर फरान वाले पे छापा मारा, उसी टाइम 160 रुपए तो दूध मिल गया, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने वो जो गवर्नमेंट की लिस्ट थी रेट की वो लगा कर गए, उसके बाद उन्होंने उठा कर फेंक दी, आज वही 200 रुपए किलो मिल रहा है, उनके 5 मिनट जाने के बाद 200 रुपए किलो दूध मिल रहा है। सर दुकानदार भी पावरफुल है, इंतजामिया भी नाकाम है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी दूध सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी परेशान है, हर आदमी हर जब चाहे बढ़ा देते हैं जब चाहे घटा देते हैं, कोई बोल डाला नहीं है। आगे से इनको भी महंगाई मिल रहा है ना यार, ये कि इनका क्या कसूर है, हर दुकानदार अपने रेट दे रहा है, ये अब इनको सोचना चाहिए, आगे से कोई चीज़ सस्ती आएगी तो दुकानदार कुछ कमाई अपनी करेगा ना, किसी को आगे से कोई रिलीफ मिलेगा तो कोई काम करेगा ना, अब आगे से ये चीज़ महंगी निकाल रहे हैं तो सामने वाले बंदे के पास पहुँचेगी तो वो भी कुछ 4 पैसे कमाएगा ना। डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो अभी रिलीफ दिया है, जो काम कर रहे हैं ये अच्छी बात है, ये करें, ये रमज़ान से पहले इन्होंने बोला है कि हम महंगाई के ऊपर कुछ करेंगे ताबून आवाम के साथ। भाई गरीब आदमी मारा जा रहा है बिल्कुल भी, दूध 200 रुपए हो गया, अब कभी 220 भी हो जाता है, 210 भी हो जाता है, आटा है वो इतना महंगा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, पेट भरने के लिए तो चाहिए ना, हम लोगों की तनख्वाहें थोड़ी, प्राइवेट नौकरियाँ हमारी। हुकूमत जो है ना बड़ी बेगैरत, आवाम का कुछ सोचती ही नहीं है, कोई भलाई नहीं है, पेट्रोल मुसलसल महंगा करी जा रही है, दूध मुसलसल महंगा किए जा रही है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई, क्या लेगा दूध। महंगाई का तूफान जो आया हुआ है, दूध की कीमतें आसमान को छू रही हैं, एक मजदूर आदमी जो है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है, मजदूर तबका बहुत ज़्यादा पिस रहा है, हर चीज़ पे पैसे बढ़े, घी तेल चीनी पेट्रोल, तो गरीब आदमी जो है ना वो बहुत बुरी तरह सर्वाइव कर रहा है, ख़ासतौर पर मजदूर तबका। तो मेरी हुकामे वाले से यही गुजारिश है कि भाई कम अज़ कम आप जो मेन रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसकी कीमतों पर कंट्रोल करें, ख़ासतौर पर दूध पर बिल्कुल ना आए कहेंगे, क्योंकि ये जो रेट ये निकालते हैं उस पर वो डेयरी पर बिकता ही नहीं है, कभी भी नहीं बिकता। हाल फिलहाल जब ये रेट वगैरह करते हैं तो दिखाने के लिए मीडिया को या उनको दिखाने के लिए तो ये शायद रेट कर देते हैं, लेकिन रेट वो होता नहीं है, फिर बाद में अपनी असल कीमतों पे आ जाता है। अभी तकरीबन बड़ी बड़ी डेयरियों पे 200 रुपये चल रहा है। डीसी साहब को यही कहेंगे कि हर चीज़ पर नोटिस लाएं, दूध भी है इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, जिस पर जो नोटिस है, परचून की आइटम है, आटा है, चीनी है, जो भी है, सब पर नोटिस लें, देखें जो चीज़ है वो जारी करवाएं। टाउन वन एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर बच्चों और बड़ों सबकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए दीगर मॉन्यूमेंट के साथ साथ PIA का एक पैसेंजर जहाज भी नस्ब किया गया है, ये है टाउन वन। जी नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से दूध की कीमत 160 रुपए तो मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन उस पर अमल दरामद कहीं भी नजर नहीं आता, ना ही जो है वो दूध जो देने वाले या जो उसके जो लोग हैं और डेयरियाँ, तो जब दूध पहुंचता है तो डेयरी मालिकान भी परेशान है कि उन्हें भी दूध महंगा मिल रहा है। उनका कहना यह है कि अगर उन्हें दूध सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता ही बेचेंगे, और वो 170 रुपये किलो फरोख्त कर रहे थे, अभी दूध का रेट बढ़ा है और हमें भी दूध आगे से महंगा मिल रहा है, तो इस वजह से हम भी बेचने को मजबूर हैं।
और अगर डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो 160 रुपये किलो दूध फरोख्त करवाना चाहते हैं तो हमें जो है वो 160 रुपये से कम में दूध दिलवाएं ताकि हम जो है उसे फरोख्त कर सकें। तो ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करे। अगर उन्होंने कोई रेट मुकर्रर किया है तो उसके लिए डेयरी मालकान के ऊपर सिर्फ जुर्माने नहीं होंगे बल्कि फार्मर्स पर भी जुर्माने होने चाहिए, बाड़ों पर भी जुर्माने होने चाहिए। जहाँ जहाँ से दूध की प्रोडक्शन होकर डेयरी मालकान तक पहुँच रही है, ये तमाम प्रोसेस जो है इन सब पर लुक आफ्टर करना होगा, इन सब पर नज़र रखनी होगी और इस सबको आड़े हाथों लेना होगा ताकि आवाम को दूध में थोड़ा रिलीफ मिल सके। ये दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की इंतहाई ज़रूरत है और रोज़ाना के बुनियाद पर ज़रूरत है। हर घर को चाहिए, बच्चों को चाहिए, फैमिली को चाहिए, बुज़ुर्गों को चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बराए मेहरबानी खुदारा 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 ज़िला इंतजामिया आप जो है वो एक्शन लें और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ फराम करने की कोशिश करें। सिर्फ कागज़ों में रिलीफ फराम ना करें बल्कि अमली तौर पर रिलीफ फराम करें ताकि लोग आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपको जो है वो कुछ माने कि हाँ हमारे ऊपर कोई इंतजामिया मौजूद है। ये था आज का प्रोग्राम नाज़रीन, आपने आवाम की फ्रस्ट्रेशन भी जानी, किस तरह लोग परेशान हैं, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल अशिया खुर्दनोश हर चीज़ महंगी हो रही है, दुगने दामों मिल रही है और अभी मजीद महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। मजीद इसी माह में अभी रमज़ानुल मुबारक में ये चीज़ें तिगनी हो जाएंगी। तो खुदारा इस पर अमल करें, हुक्मरानों को तो रहम नहीं है लेकिन कम से कम आप तो इधर ही रहने वाले हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हैदराबाद शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव करें। आप अपनी जो है वो टीम के साथ बाहर निकलें दफ्तर से, फील्ड में आएँ, असिस्टेंट कमिश्नर्स को पाबंद करें कि वो फील्ड में आएँ और बार बार मॉनिटर करें, एक एक जगह पर बार बार विजिट करें ताकि वो जो चीज़ें हैं आपके जाने के बाद फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद ख़त्म हो जाता है। जब आप आते हैं जुर्माना होता है उसके बाद वो चीज़ ख़त्म कर दी जाती है। तो इस पर अमल दरामद करें ताकि आवाम को थोड़ा सा सुख का सांस लेने में आप हेल्प करें। आप इसी शहर के हैं, आप इसी जगह के हैं, आप यहीं के अफसर हैं, आप इसी जगह से इसी आवाम में से निकल के आप अफसर बने, तो बराए मेहरबानी इस पर अमल दरामद करें। यह था आज का प्रोग्राम, अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। मेरा अरमान है एक ऐसी रिहायश जहाँ उस सुकून और इत्मीनान का राज, टाउन वन, जहाँ मुझे मिले आज़ादी, जहाँ सब कुछ मेरा अपना हो, जहाँ जिंदगी मुझे हाथों हाथ ले।